तब कभी तबीयत खराब रहता है और अभी रील्स बना रही है। जो दीदी नहीं रहती कि आज खाना नहीं बनता अभी तक नाटक करते तो क्या इतना दवाई आई हुआ में वो भी यहाँ पे मतलब लाभी के ऊपर देते ना तो सच बता रहे हैं छोटू का केस नहीं लड़ पाते हैं। आज आप लोग देखते होंगे शॉर्ट वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अभी जो है शाम हो चुका है, फिलहाल टाइम कितना हो रहा है टाइम दिखाइए हो आरती जी। अरे थोड़ा आराम से। तो आरती जी अभी घर ही ना है, 7 बजा है, एक बार मोबाइल देखिए, 8 बजे एक बार मोबाइल देखिए। देखिए अभी दूसरा मोबाइल ले रही है, 8:30 हो रहा है, ठीक है। आज देखिए दीदी है ना दोस्तों, सच में दीदी का गुण कभी नहीं भूलेंगे। तो बात सही है कि नहीं? तो आज दीदी आज है तो दीदी आज अगर जो दीदी ने कि आज खाना नहीं बनता अभी तक खा भी नहीं पाते, सच में अभी खाना नहीं बनता, सच बोल रहे हैं। आज हमारी छोटी वाली दीदी है तो सब जो है हम लोग भी खाना खा लिए, आरती जी भी खाना खा ली है ना, और अभी पप्पा को दे रहे हैं खाना खाने के लिए, और अभी पप्पा को दे रहे हैं खाना खाने के लिए। सो सकते हैं, 8 बज गया है और इनको तो बेड पे मतलब रहती है सोई हुई, इनको नहीं जगाते हैं, इनको कुछ नहीं। अभी देखिए जब से रो रही है, जब से इनको दवाई चलने लगा है तब से जो है, देखिए इधर छोटी वाली भगनी आ गई है दूध लेकर के। दूध दीजिए ना मामी को, मामी पी लिए, थोड़ा सा और खाओ चावल, तो थोड़ा सा इनको और खिला दो, ठीक है। तो चलिए हमारे लिए भी दूध आए हैं, ठीक है, हम भी पी लेते हैं। मामी को भी थोड़ा और दे देना, ठीक है, दूध को अच्छा से रखें तो ये पकड़ो पकड़ो इनको। तो चलिए अभी जो है दूध आरती जी पकड़ लिए हैं, ठीक है, इनको एक बार खाई थी, थोड़ा सा और भूख लगा तो खैर कोई नहीं खा लेगी, ठीक है। तो देखिए आज जो दिन में क्या कहते हैं शॉर्ट जो बनाए थे सारे पहन के, इसमें क्या बोलते थे कि इनका नो टंगे बाज है, तब कभी तबीयत खराब रहता है और अभी रील्स बना रही। देखो दोस्तों देखिए नोटंगी करते ना तो मेरा दवाई नहीं आता इतना। नहीं नहीं फिर आरती जी दूसरा क्या बोल रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है, अपना जो कर्तव्य है दोस्तों वो करना है ना। बैठे बैठे कितना आराम। आज आप लोग देखते होंगे शॉर्ट वीडियो में, इनको कुर्सी लगा के दिए, कुर्सी पे बैठी, पहले तो इसी घर में चौकी पे बैठी, पहले इस घर में शुरू किए आप लोग देखिएगा, फिर आंगन में गई, कुर्सी दिए, कुर्सी पे बैठी, जितना भी शॉर्ट वीडियो है सब कुर्सी पे बैठ के ही बनाई। फिलहाल अभी वैसे तो वीडियो नहीं बनाते थे दोस्तों, और कितना दिन के बाद बनाए हैं आज शॉर्ट, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर जब आप लोग प्यार दुलार तो दे रहे हैं, हम लोग मेहनत करेंगे थोड़ा बहुत तब न चलेगा हैं? कोई भी चीज है, अभी ये दूध है, इनको हम दुहेंगे नहीं गाय में से, दूध हम दूध अपने आप आ जाएगा यहाँ पे हम लोग के पास, आप लोग बताइए। अभी जो है दोस्तों अब क्या बताएंगे, बताने वाली बात तो नहीं होते हैं, क्या करेंगे, लेकिन आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, आप लोग के वजह से आज हम लोग का तो एक यूट्यूब के सहारे जी रहे हैं हम लोग। आज आप लोग प्यार दुलार नहीं देते ना तो सच बता रहे हैं छोटू का केस नहीं लड़ पाते हैं, छोटू का केस नहीं लड़ पाते दोस्तों। लेकिन तब पर भी जो है देखिए आरती जी आपको जो है ना, आपको क्या अच्छे अच्छे एक्टर को देखे हैं दोस्तों कमेंट जो है गलत करते हैं, है ना। हम जो है आप लोग बोले ना कि भैया मन्नू भैया आप ध्यान मत दीजिए, जिनको जो बोलना है जो फालतू के बैठे रहते हैं वही एक दूसरे को जो है गलती निकालते हैं और गलती ठहराते हैं और गलती बोलते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। आप लोग के वजह से हम कमेंट पे ध्यान देना ही बंद कर दिए हैं। आरती जी को समझाते हैं, सब पर भी नहीं समझ रही है। अभी क्या बीत रहे हैं, अभी क्या बीत रहे हैं तो यही जानती है कि भगवान ही जानते हैं, और जो है बाकी हम भी नहीं जानते हैं। इंजेक्शन इनको पड़ता है पेट में, वो भी यहाँ पे मतलब लाभी के ऊपर है। नाटक करते तो क्या इतना नाटक करते तो क्या इतना दवाई आई हुआ करता है। कोई बात नहीं, बोलने वाला को बोलने दो, ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपके साथ
सब है ना हो, आपका सबसे मेन चीज हस्बैंड है ना, हस्बैंड विश्वास करता है ना, पूरी दुनिया करे या ना करे, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो ये नहीं कि हमारे सब जो है मतलब एंटी पार्टी है, नहीं, हमारे बहुत जितना भी व्यूवर्स है जो है बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, चाहते हैं हम लोग को, अगर हमको नहीं चाहते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आरती जी को सबसे ज्यादा चाहते हैं तब जाके प्यार दुलार मिलते हैं, ऐसा बात नहीं है। वही कुछ छन आदमी होगा जो कि गलत ठहराते हैं, ठीक है, खैर किसी को बोलने से कुछ तो नहीं होगा, है ना। और इतना जो है धमकी मिला था तो उसमें भी तो बोलते हैं कि ये लोग नाटक करते हैं, फोन किया था दूसरा आदमी दोस्तों, अब बोलते हैं कि नौटंगी किया है, सोचने वाली बात है, पता नहीं थोड़ा भी कॉमन सेंस मतलब नहीं लगाते हैं, अब कैसे मुंह उठा के बोल देते हैं। तो उनका काम कुछ भी नहीं है, नहीं तो कौन बोलता है, जो फकलंडू टाइप का ना होता है, जिनको माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं अच्छा, वो मतलब करते हैं इस तरह का। नहीं तो आप देखिएगा अच्छे आदमी आपको तो आपके मुंह पे तो जल्दी बात भी नहीं करेगा, अच्छे आदमी जो होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह होता है, पांच उंगली एक जैसा नहीं है आरती जी, ठीक है, टेंशन मत। इनका जो तबीयत खराब होता है कुछ टेंशन के वजह से भी, इनको हम बार बार समझाते हैं दोस्तों कि आप टेंशन दूर कीजिए, पहले शादी नहीं हुआ था, जब छोटू डेट किया था तो शादी नहीं हुआ था, तो तभी इनके ऊपर इतना ज्यादा टेंशन था। आज गांव समाज जो शादी करवाए हैं तो क्या चीज समझ करके मतलब शादी करवाए हैं, एक तो लड़की का घर मिल जाएगा, घर बस जाएगा, जिंदगी सवर जाएगा, हर एक चीज सोच करके ना, सोचने वाली बात है, हर एक चीज सोच करके ना, आप जब टेंशन लेगी तो क्या होगा इनका, आप ही लोग बताइए। तो इसीलिए कहते हैं टेंशन मत लीजिए, अरे हमारे चाहने वाले बहुत है, दिल में है ना, बस वही समझो, पी लेते हैं तो वही समझो दिल में है, वही समझो, बस हमारे चाहने वाले 99% है, ठीक है, 100 नहीं है तो नहीं है, लेकिन 99 है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा बोलने में मिस कर देते हैं, इसके लिए सॉरी, है ना। यहाँ पे देखिए भांजी किसके लिए लेके आई हो, मामी के लिए, चलिए मामी के लिए लाइए चावल, तो फिलहाल आरती जी चावल खा लेती है उसके बाद, ठीक है, और रात भी हो गए हैं, बाहर दिखाते हैं दोस्तों, देखिए बाहर रात हो गया है बहुत ज्यादा, और 8:30 बजने वाला है अभी, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोग से सुबह में नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी जो गलत सलत करते हैं भैया आप कीजिए, ठीक है, आप लोग को हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूवर्स है ना सब हमको बोल दिया है कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, तो हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, आप लोग जिनको जो गलत बोलना हो बोलिए, ठीक है, हंस के बोलिए, रो के बोलिए, जो जैसे मन तैसे, ठीक है, हम टेंशन नहीं लेंगे। अब अगर माइंड में टेंशन रखेंगे तो जी नहीं पाएंगे, ठीक है, जीने के लिए पहले सबसे पहले तो टेंशन दूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आप खा लीजिए पहले, ठीक है, दो दूध दे दो, खा लो आप, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।